वचन पत्र में जो लिखा है उसका पालन होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं लगना चाहिए, कोई छड्डा नहीं लगना चाहिए। 2 लाख तक के ऋण को माफ करने की बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही है। अब 31 मार्च तक का या पात्रता निर्धारित करने का के नाम पर कोई बैरियर लगाने का ये नहीं चलेगा। नवंबर के अंत तक, 30 नवंबर तक के सभी किसानों के कर्जे को माफ करना चाहिए, यह हमारी मांग भी है, क्योंकि जो कहा है उसको निभाना पड़ेगा। पार्टी की जब बैठक होगी तब विचार करेंगे। मतलब अभी ड्राई भी नहीं कर रहे इस बीच को लेके। नहीं, हमने इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही अभी नहीं की है, जब बैठेंगे तब बात करेंगे। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी कि हमारी सदिच्छा है कि सरकार ठीक काम करे। मंसूर कोई वोटिंग द्वारा जांच करवानी चाहता बात, अभी जैसे सत्र आ ही रहा है और अध्यक्ष को आप लोग सामने रखते हैं, वोटिंग की स्थिति बनेगी तो उसके लिए तैयार है पार्टी? मैंने कहा कि अभी हमने कोई इस पर विचार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का पहला स्टैंड यही था कि बहुमत हमें नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, लेकिन नंबर थोड़ा सा उनका ज़्यादा था, इसलिए हमने कहा कि वो सरकार बनाए। अब वो सरकार ठीक से चले, उसकी परिस्थितियां बनाना ये उनका काम है। ये कौन कौन से गुट दबाव डाल रहे कांग्रेस क्या वो है? तो आपने सबने देखा है, मुख्यमंत्री को विभाग बांटने और जवाब देते हैं दिग्विजय सिंह जी के, अभी थोड़ी देर में बंट जाएंगे। अब इससे ही पता चलता कि कौन कौन बांटेगा भाई, क्या आप बांटोगे कि मुख्यमंत्री बांटेंगे। और बाकी जो नाम सामने आते हैं वो सब दुनिया के सामने, ज्योतिरादित्य जी के अलग नाम है, दिग्विजय सिंह जी के अलग नाम है, अरुण जी को तो भाई को ही बनाया गया है, और सुरेश जी का अभी तक कोई दिख नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह एज अ शैडो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, वो खुद ही कह रहा है कि विभाग बढ़ जाएंगे तो मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए।